दोस्तों अभी समय हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे समय को लिख रखा है, 24 मार्च है और आज समय हो रहा है 11:45 पे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और निफ्टी की चाल को देख के बताता हूँ। ये लाइव मार्केट में है, देखिए निफ्टी अभी 222 पॉइंट के करीब गिर चुका है। अभी जो इसका रनिंग पॉइंट है 4994, यानी इसने 600 का लेवल भी, 14600 का लेवल भी इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। अब इसके आगे की चाल क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। और सेंसेक्स करीब 750 पॉइंट गिर चुका है। देखिए सारे के सारे इंडाइसेस के अलावा आपको स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पिटाई होती हुई नजर आ रही है। देखिए समय देख लीजिएगा, 11:45 के सुबह के, और निफ्टी की जो चाल देखिए आपके सामने है, लाइव मार्केट में है। और अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी, जैसे आपको दिखाते तो बैंक निफ्टी बहुत बुरा पिटा हुआ। देखिए बैंक निफ्टी करीब 750 पॉइंट पे अभी आपको यहाँ पे गिरावट के समय में दिख रहा है। और एक समय में इसने जब इसको लो बनाया था, तो लो देखते हैं, चलिए इसका लो बैंक का, तो इसने 33,376 करीब 800 850 पॉइंट का लो बनाने के बाद ये थोड़ा सा मात्र 100 पॉइंट की रिकवरी पे है। देखिए दोस्तों आपको कारण भले ही कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक नजर आ रहा है, या बॉन्ड यील्ड्स जो है यूएस में बड़ी नजर आ रही थी, उसके अलावा देखिए FIIs और DIIs जो है यहाँ पे, FIIs और DIIs, तो FIIs तो कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है, उसका रीजन देखिए एक है। देखिए हमारा मार्केट जो है ना, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट फॉलो करता था यूएस मार्केट को। और कल जैसे कि मैं कल बताऊं, कल ये जो जो ग्लोबल मार्केट मैं दिखा रहा हूँ, कल 23 मार्च मार्केट की जो ये रिपोर्ट है, और उसके हिसाब से आप देखते हैं यहाँ पे नैसडेक करीब आपको 1% से ज्यादा गिरावट में दिख रहा है। और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी आपको सब के सब गिरे हुए दिख रहे होंगे। हालांकि ये डैक्स जर्मनी का थोड़ा सा ऊपर दिखा हुआ, SDX निफ्टी काफी ज्यादा गिरावट में था, ये करीब ये बड़ी गिरावट इसको मानी जाएगी, 1.5% से बड़ी गिरावट। जापान का जो है ये देखिए निक्केई 2% की गिरावट पे था, बाकी हैंगसेंग्स है, ताइवान का जो है ताइपेई है, ये काफी ज्यादा बड़ी गिरावट पे नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हो रही है जिसकी उल्टी हो रही है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं देखिए, और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, और कॉटन के प्राइसेस डाउन हो गए हैं। क्यों? गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और जो है, अब इसका सीधा सा रीजन क्या हो रहा है, देखिए अमेरिकन डेरिवेटिव्स पे जो एक्सिस बैंक देख लीजिए, ये सारे के सारे जो है अमेरिका में जो रजिस्टर्ड है कंपनीज, ये सारी की सारी कंपनियां गिरी हुई थी। अब देखिए चलिए यहाँ पे अभी हम ऑप्शन चेन के बाद से पहले निफ्टी का हम सपोर्ट से पहले आपको कुछ डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी का जो ये जो इंडाइसेस है, एक्चुअली इंडाइसेस देखिए, और ये देखिए एडवांस 6 एडवांस है मात्र, और 44 डिक्लाइन चल रहे हैं निफ्टी 50 में। और जिसमें से अगर हम डिक्लाइन देखें तो डिक्लाइन देखेंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन देखिए सबसे ज्यादा जो गिरावट में नजर आएगा वो टाटा स्टील, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए टाटा स्टील सबसे ज्यादा गिरा हुआ है यहाँ पे आज की डेट में, हिंडालको 3% से ज्यादा गिरा हुआ है, ONGC 3% से ज्यादा गिरा हुआ, सब में जबरदस्त पिटाई चल रही है, तूफानी तो पिटाई चल रही है। यानी कि अगर आप लोग बस माल बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। अब यार यहाँ पे चलिए देखते हैं आप कुछ और दूसरे इंडाइसेस देखते हैं, निफ्टी ऑटो देखिएगा। निफ्टी ऑटो में देख करके आपको जो है हैरानी हो जाएगी कि यहाँ पे मात्र एक जो है वो भी फ्लैट है। देखिए ये कुछ बड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए फ्लैट है मात्र, कितना है 0.05%, यानी कि निफ्टी ऑटो भी 0 है, एडवांसेस जो है 14 है। तो कुल मिलाकर के निफ्टी एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पिटाई आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए सबसे ज्यादा निफ्टी ऑटो में कौन सा गिरा हुआ है, मदरसन सुमी, देखिए मदरसन सुमी 4% से ज्यादा गिरा हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2%, भारत फोर्ज 2%, टाटा मोटर 2%, क्या बोलते हैं या बैटरी वाला कोई एक्साइड या अमर दादा बैटरी 1%। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा। अब चलिए मेन तो अपने उसके खिलाड़ी पे आते हैं जो बैंकॉक में है, देखिए निफ्टी बैंक देखेंगे, निफ्टी बैंक आपको माई गॉड यार, ओ माई गॉड, 0 डिक्लाइन, सॉरी 0 एडवांसेस और 12 डिक्लाइन देख लीजिए यहाँ पे, सब के सब बुरे पटे में। सबसे ज्यादा IDFC फर्स्ट बैंक 3%, SBI 3% से ज्यादा पिटा हुआ है, एक्सिस बैंक 2% से ज्यादा पिटाई हुई है,
आईसीआईसीआई बैंक की 2% ज्यादा पिटाई, एचडीएफसी बैंक की 1%, बंधन बैंक 1%, इंडसइंड बैंक 1%, तो सबके सब ज्यादा पिटे हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे आता है। लेकिन निफ्टी का सपोर्ट से पहले हम आपको थोड़ी सी एक बात देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी है, वो दिखाना जरूरी है कि जो मार्केट गिर रहा है उसका रीजन तो शायद आपको पता होगा कोरोना वायरस है, लेकिन क्या निफ्टी का आगे का सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है और इसकी वजह से। देखिए इन्होंने जो एक रिपोर्ट छापी है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो है इन्होंने छापी है 11 बजे अभी और पब्लिश की है, तो उन्होंने दिखाया कि ये बैंक सबसे ज्यादा गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब पिटे हुए हैं। अब देखिए इसमें जो है ये चीज और ये बता रहे हैं कि रूपी रुपीज में 10 पैसे की गिरावट आई यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, द रूपी डेप्रिसिएटेड 10 पैसा 72 में अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन ओपनिंग ट्रेड ऑन वेडनेसडे फॉलोइंग हैवी सेल ऑफ इन डोमेस्टिक इक्विटीज एंड स्ट्रॉन्ग अमेरिकन करेंसी इन द ओवरसीज मार्केट बिसाइड फॉरेन फंड आउटफ्लो राइजिंग क्रूड प्राइसेस आल्सो। देखिए यहाँ पे निफ्टी जो ग्रोथ, अब यहाँ दूसरा हो रहा है कि देखिए एक तो ये कारण हो रहा है कि रुपया गिर रहा है, दूसरा जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस कब बढ़ते हैं, गोल्ड और स्टॉक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो गोल्ड